यार, आर वी लाइव और नॉट? गुड आफ्टरनून, व्हाट्स अप? एम आई लाइव? आई कैन सी यू यार. अभी तक माइट बी आई एम लाइव. जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट रिकन्फर्म इट बाय लॉगिंग टू माय यूट्यूब. यार, एम आई लाइव, विजिबल एंड ऑडिबल? कुड यू प्लीज जस्ट अपडेट मी? आई थिंक माई लाइव चैट इज नॉट वर्किंग ओवर हियर. So I'll keep it on my phone so that I can at least keep a check. Okay, yeah, we do have people. Yeah, I can see your chats. Okay, yes. I think मेरे phone पे आ रहा है यार. My डेस्कटॉप सीम्स नॉट वर्किंग बिकॉज आई कैन सी योर चैट ओवर हियर. बट व्हाट्स अप पीपल, दिस साइड इज चिराग. वी अबाउट टू स्टार्ट अप विद योर न्यू बैच. दिस इज GRMCE, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स. वैसे दिस वॉज नॉट सपोज टू बी माई स्लॉट, दिस वॉज नॉट सपोज टू बी माई लेक्चर, दिस वॉज नॉट सपोज टू बी माई टाइम. आई वुड फर्स्ट रीट्रीट एंड मेक इट वेरी क्लियर दैट एनी वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो and who wants to go for drive lectures, you guys can definitely see this video and see the drive lectures. One. Secondly, GRMCE का आपका जो December 21 का batch है वो आज से दो महीने बाद start होगा. आज से दो महीने बाद start होगा. मैं ये तीन दिन demo इसलिए ले रहा हूँ because obviously our danger man, our pride Vikas Vora is not well. I hope you guys are aware that he has just been detected with COVID positive and because of that he cannot come down and take lecture. And he really wanted the students to see him. And the way he just called me and he was like, yaar Chirag, I'm really upset that I'm not going, you know, able to go and take the demo lectures right now. But I really want ki bacche tere mein aur mere mein se kisi ko to 100% dekhen. They should always know us. So he was so, into this ki yaar mera lecture nahi ho pa raha. Hence, main ye lecture le raha hu 3 din ke liye. But batch unka rahega. ठीक है, बैच उन्हीं का रहने वाला है एंड ही इज गोइंग टू कम डाउन एंड ही इज गोइंग टू टेक द बैच. मैं इन तीन दिन ये लेक्चर्स यहां पे लूंगा, दैट इज 3:30 to 4:45, 3:30 to 4:45, तीन दिन के लिए बैच मैं यहां पे लूंगा. मंडे ऑनवर्ड्स आई बिलीव दैट ही इज गोइंग टू बी फाइन. मंडे, ट्यूजडे एंड वेंसडे भैया, पहले भैया हियर मींस विकास भैया, इज गोइंग टू कम डाउन लाइव ऑन यूट्यूब. फर्स्ट टेक 3 days डेमो एंड देन यू कैन प्रोसीड विद ड्राफ्टिंग. आई वुड रिपीट इट अगेन, प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. गवर्नेंस का डेमो मैं आज दे रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ, आगे भी मैं ही पढ़ाऊंगा. जो लोग ड्राइव लेना चाहते हैं, एक्चुअली जनवरी में आपका GRMCE का एक लाइव बैच ऑलरेडी चल रहा है. सो आप लोग ड्राइव कभी भी ले सकते हैं. उसमें काफी तक 50-60 प्लस लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप आराम से वो एंजॉय कर सकते हैं. दैट इज मोर सेंसिबल. लाइव बैच जो डिसंबर 21 का है वो दो महीने बाद स्टार्ट होगा. क्लियर इनफ? लेटेस्ट अभी सिर्फ जो हमारा 30 days पहले बैच स्टार्ट हुआ था ना, 30-35 days पहले बैच, उसकी रिकॉर्डिंग है. दैट्स द लेटेस्ट अमेंडेड रिकॉर्डिंग. डोंट वरी विद दैट, वी डू नॉट गिव एनी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ एनी सब्जेक्ट एनी वेयर. ओके, नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन. लेट्स मेक श्योर दैट आर दीज 3 days आर फ्रूटफुल इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इमेंस लव विच यू गाइज हैव गिवन अस. एटलीस्ट वेन इट कम्स टू GRMCE, मैं बार बार सबको जाके बोलता हूँ कि मतलब माई स्टूडेंट्स हैव सरपास्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग. हैपन्स टू बी इस बार का जो ऑल इंडिया हाइएस्ट GRMCE स्कोर था वो भी अपने ही स्टूडेंट का था. दैट वॉज 79, जो मेरे हिसाब से बाई फार इंडिया का हाइएस्ट स्कोर है GRMCE में. सो वो ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट से निकला. आई वुड रिपीट इट अगेन, वेन एवर अ स्टूडेंट स्कोर 79, 80 और समथिंग लाइक दैट, दैट इज द person's work, that is that person's work and not the class work. Because class aapko direction deti hai, your efforts, your, you know, tremendous work takes you over that side. So congratulations, kudos to everyone jin logon ne last time GRMCE mujhse padha ya fir paper diye. I am really very proud of you. मेरे सारे पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं GRMCE के, इफ इन केस अगर आप में से किसी ने क्लियर नहीं किया, मतलब आई थिंक रेयरली मुझे याद होगा किसी ने मुझे मैसेज किया हो दैट सर हमारा GRMCE क्लियर नहीं हुआ. यस, मैसेजेस आए हैं कि एग्रीगेट में क्लियर नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ,
बट रेयरली एनी वन केम अक्रॉस एंड टोल्ड मी कि हमारा जी आर एम सी क्लियर नहीं है. एंड अगर नहीं भी हुआ है, वी टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वील मेक श्योर कि इस बैच में आप लोग क्लियर कर जाएं. यहां पे आए हुए जितने भी लोग हैं, यहां पे आए हुए जितने भी लोग हैं, फर्स्टली आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयां. आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम टू द मच अवेटेड. आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करी आपके एग्जीक्यूटिव एंड फाइनली यू आर इन टू योर सी एस प्रोफेशनल. आई डोंट वॉन्ट टू नो हु क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव एंड एंटर्ड प्रोफेशनल और हु इज इन प्रोफेशनल एंड वॉज नॉट एबल टू क्लियर द लास्ट अटेम्प्ट. फॉर दोज हु did not clear in the last attempt, just to tell you, and I'm reiterating, I'm really proud of you, because out of 100 students, 75% backed off in the attempt. If you guys have written that paper, you're already winners, and it's pretty fine. Ya to aap jeette hain, ya phir aap seekte hain. Toh koi farak nahi padta yaar, agar just in case aapka wo clear nahi bhi hua tha, it's completely fine, zero grudges to be kept. Ab nikalna hai, bas ek choti si cheez jo main aap logo se baar baar request karunga, please, अपनी गलतियों से सीखना जरूर. बस मतलब यही एक छोटी सी गलती है कि अपन ने क्लियर नहीं किया, अपन चार दिन आ जाते हैं एकदम एटीट्यूड में, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तुम देखना ऐसा होगा, अब तुम देखना भाई ये करेगा. भाई और बहनों, कुछ भी मत करना, सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट करना. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ यू डू गुड रेट्रोस्पेक्ट, हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व. इफ यू डू गुड रेट्रोस्पेक्ट, हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व. रेट्रोस्पेक्ट एज टू वेयर डिड यू गो रॉन्ग इन द लास्ट टाइम व्हेन यू वर राइटिंग द पेपर, वेयर डिड यू गो रॉन्ग. एनालाइज, क्या आपको लिखते वक्त राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी? एनालाइज, क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी? एनालाइज, क्या आप लोगों ने सही से रिवीजन नहीं किया था? एनालाइज, क्या आपने लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स नहीं बनाए थे? कुछ तो गलतियां होंगी जो आप लोगों को उस पेपर में लग रही होंगी कि यार काश अगर ये किया होता तो ये प्रॉब्लम ना आती. बस इतनी छोटी सी चीज का ध्यान रख लेना, इतनी छोटी सी चीज का ध्यान रख लेना. शॉर्ट क्लियर. I would not like to, you know, make you afraid of it or anything like that. But I'm not kidding. Last time ka governance ka paper was the easiest of all. And I'm not even remotely lying. Last time ka governance ka paper was the easiest of all. Maine itna simple chapter nahi dekha. Toh main umeed karunga ki agla paper difficult aayega. Difficult aaye, tabhi koi dikkat nahi hai. We would be, you know, in a very comfortable zone to clear that paper. Wo meri zimmedari hai. Wo aap mere pe chhod do. Let me, before everyone joins and everything. So the drive is not completed means it doesn't have all the lectures of the syllabus. Hi, Karan. Karan, we cannot give you all the lectures, right? If it was all the lectures, that means mera GRMC ka pichla batch hi khatam ho gaya. Aur agar mera GRMC ka pichla batch khatam ho gaya, toh main aapka naya start kar leta batch. Mujhe kya dikkat thi? So what drive you're getting, uske andar complete lectures mil hi nahi sakte. Aap logo ke naye modules abhi दिसंबर के बाद लॉन्च हुए फॉर जून 21. इफ यू डू नॉट नो, आपके जीआरएमसी का पिछला बैच और इस बैच में 180 पेजेस का अमेंडमेंट्स हैं, एडिशंस हैं. आई वुड रिपीट एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट इन दिस पर्सपेक्टिव. आप लोगों का जो पिछला गवर्नेंस था उसका कंटेंट बहुत कम था, एज अगेंस्ट अब वाले का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस और सुनिएगा आराम से. इंस्टीट्यूट ने क्या किया था पिछली बार जब दिसंबर में पेपर हो रहे थे, सो व्हाट दे डिड, दे सेड कि भैया एक काम करते हैं, बच्चे अक्टूबर एंड तक आ गए थे, अचानक से बच्चों के अंदर मोटिवेशन आ गया, उन्होंने कहा कि भाई इस बार हम पेपर निकाल देंगे. अक्टूबर में इंस्टीट्यूट ने कहा अरे तो सभी मोटिवेट हो गए, कुछ तो करना पड़ेगा. तो इंस्टीट्यूट ने उस टाइम पे 180 पेजेस के नेकेड अमेंडमेंट्स भेज दिए, 180 पेजेस ऑफ नेकेड अमेंडमेंट्स, जो देख के बच्चे तो छोड़ दो, अब मेरी हालत मत पूछना. मैंने 3 दिन क्लास से छुट्टी ली है जस्ट टू मेक नोट्स फॉर दोज 180 पेजेस एंड इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग. इट वॉज अ वेरी रैंडम एंड रॉन्ग डिसीजन, ऑब्वियसली शुड हैव बीन रिवोक्ड एंड इट गॉट रिवोक्ड. वो 180 पेजेस वापस से अमेंडमेंट के हटा दिए गए थे. बट लिसन टू दिस क्लियरली, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, नया मॉड्यूल बना दिया. और नया मॉड्यूल बना के जो पहले वाला मॉड्यूल 480 पेजेस का हुआ करता था, नए वाले मॉड्यूल को 660 टू 680 पेजेस के आसपास टच करवा दिया. एंड दे एडेड लेफ्ट एंड राइट सो मेनी न्यू थिंग्स इन अ चैप्टर एंड दे आर शोइंग इट कि उन्होंने एक चैप्टर डिलीट कर दिया. एक चैप्टर डिलीट किया सर आपने, पर आपने अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 चैप्टर्स का कंटेंट बढ़ा दिया, इसलिए जीआरएमसी काफी ज्यादा डिटेल हो गया. ठीक है एकदम.
तो उसकी वजह से जैसे ही जनवरी में नई बैचेस आए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जून में पेपर देना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने रॉन्ग साइड जाके जनवरी जब कोई भी गवर्नेंस का बैच नहीं लेता है, मैंने उस टाइम पे गवर्नेंस का बैच स्टार्ट किया, ताकि जो लोग अब जून में लिखना चाहते हैं या जो लोग दिसंबर के लिए पहले से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अभी से ड्राइव ले सकते हैं। और अब आप अगर ड्राइव लेते हो ना, तो आप ये मान लो कि आपकी ड्राइव कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी 50-55 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल दिए। आप जब तक 50 देखोगे, 50 और आ जाएंगे। इस बार की जीआरएमसी की रिकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 100 घंटे के आसपास जाएगी। सो नाउ सम इंफॉर्मेशन विच आई शुड गिव यू प्रायरली, या नो प्रॉब्लम कर, नो प्रॉब्लम, सम इंफॉर्मेशन विच आई शुड गिव यू प्रायरली, विच इज अपनी इस बार की रिकॉर्डिंग भी या पहले की रिकॉर्डिंग भी, मतलब आप बेझिझक रह सकते हैं इससे, कि मोर देन अमेजिंग रहेगी। आपको मैं आपके कुछ नोट्स भी दिखा देता हूं। वी वुड बी गिविंग यू टू बुक्स, वी वुड बी गिविंग यू टू बुक्स फॉर जीआरएमसी। जीआरएमसी के अंदर जब कभी भी आप लोग इन बुक्स को रेफर करोगे, इसके बाहर मॉड्यूल को हाथ भी मत लगाना, बिकॉज वी हैव कवर्ड मोर देन द मॉड्यूल। सर आप कैसे पढ़ाते हो, क्या करते हो, ये सब सेकेंडरी है, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पुरानी बुक्स अगर आपकी मेरे पास आपके पास है मेरी, प्लीज नाउ इट इज ऑफ नो यूज वन। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, प्लीज नाउ प्लीज डू नॉट सी दैट ओल्ड रिकॉर्डिंग। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और ओल्ड ड्राइव देख के जल्दी खत्म करना चाहते हैं, प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना। ये तीन चीजों का एकदम कोटे कोटे ध्यान रखना, और कोई भी इसमें दो राय मत लाना। अब लेट मी शो यू हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस। ठीक है भाई, सब लोग आ गए क्या? नाउ गवर्नेंस पर से has been always a fear, has always been a fear of students. Why? Not because it is difficult, but because ya to governance looks so dry that you know do not tend to enjoy the subject, one, ya fir bar bar ek hi cheez repeat hoti hai again, which makes you sick that bar bar cheez repeat ho rahi hai। एंड कहीं ना कहीं लोगों के फियर्स गवर्नेंस के लिए इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको जेन्युइन आपके राइटिंग स्किल्स दिखाने पड़ते हैं। ये तीन चीजों की वजह से लोग बहुत डरते हैं। अच्छा, अबाउट योर सब्जेक्ट, योर हेडिंग, मैं सब बता रहा हूं आपको। आप इस बार देखिएगा, इस बार का जो मेरा करंट बैच चल रहा है हाल फिलहाल, अब उसमें अगर मैं इन लोगों को कुछ भी पढ़ा रहा हूं, तो इस बार हमने पढ़ाने की टेक्निक चेंज की है। व्हाट वी हैव डन इज, जैसे मान लीजिए मैंने इनको ये फिफ्थ चैप्टर पढ़ाया, अब जहां पे इन लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, मैंने इनको पूरा 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 ऐसे लिखा के दिया। इफ यू गाइस कैन सी, हमने हर चीज एक एक करके लिखी दी है। अभी तक हम लोगों के जो 8 चैप्टर्स हुए हैं, उसमें मैंने इनको हर चीज लिखा दी, व्हाट इज टू बी रिटन, हाउ इट इज टू बी रिटन। अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन आप लोगों को लिखना है, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई पर्टिकुलर सेक्शन आप लोग को क्लियर नहीं है, मैंने इनकी पूरी 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 आंसर राइटिंग ली है, दैट हाउ यू गोइंग टू राइट इट, हाउ यू गोइंग टू राइट इट। So, आप निश्चिंत रहेंगे इस बार के बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, सी द प्लानिंग, हाउ वी गोइंग टू गो अबाउट दिस। वी आर गोइंग टू डू वन थिंग, आपको मैं दूंगा दो बुक्स, आपको मैं दूंगा दो बुक्स। इन दो बुक्स में आपको पार्ट वन और पार्ट टू में मेरे कलर्ड नोट्स विद द एंटायर लेटेस्ट अमेंडेड मॉड्यूल सारे एडिशंस किए हुए हैं। इसके अलावा अपने पास कुछ भी और पढ़ने के लिए नहीं है। नेक्स्ट अप, हम लोग इस बार आप लोग की एक चार्ट बुक बनाएंगे, जो मैं आपको इस बैच के एंड पे दूंगा। एक चार्ट बुक, सेम चार्ट बुक मैंने फंडिंग में और गवर्नेंस में दोनों बार पिछली बार अनाउंस की थी कि दैट आई एम गोइंग टू गिव, बट आई वाज अनेबल टू सेंड यू बिकॉज़ माय लिटिल ब्रदर पास्ड अवे, जिसकी वजह से मुझे 21 डेज के हॉलीडेज पे जाना पड़ा था, एंड हेंस आई वाज अनेबल टू फिनिश अप माय वर्क, एंड रिटेन वापस करने के बाद भी इट वाज रियली डिफिकल्ट, तो हो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट अप सर, इस बार अपने एक प्रैक्टिस करनी है जो मेरे करंट बैच में मैंने अभी तक की नहीं थी, बट दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग विद दिस। हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर उठाएंगे और इस पे पूरी की पूरी आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी आंसर राइटिंग करेंगे, व्हाट इज टू बी रिटन, हाउ इट इज टू बी रिटन, और एक एक आंसर मैं आपको क्लास में लेक्चर में डिक्टेट कराऊंगा एंड मेक यू राइट इट। प्रीटी क्लियर, एंड दिस इज हाउ वी गोइंग टू गो अबाउट इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस।
आप लोगों को इससे ज्यादा गवर्नेंस में करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद कुछ भी है दैट इज कॉस्मेटिक्स एंड वेस्टिंग टाइम, दैट इज कॉस्मेटिक्स एंड वेस्टिंग टाइम. कोई भी सेंस नहीं बनता है. इससे ज्यादा अच्छा टाइम आप लोगों को अगर देना हो ना तो आप आराम से बैठकर नोट्स को वापस से रेफर करो, नोट्स को वापस से पढ़ो. दैट इज मोर सेंसिबल देन फॉर गोइंग एनी अदर बुक. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब मैं आपको मेरे दिले जान कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं. अगर आपको नहीं बताओ तो आई जस्ट नाउ इंट्रोड्यूस यार. श्रुति नहीं अटक रहा यार, इट्स क्लियर आई बिलीव. आपके यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम है. नाउ आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई हैव बीन इन पुणे फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स. आई बीन टीचिंग गवर्नेंस फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स एंड पिछले 5 साल से आई बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ सी एस. मैं जब यहाँ पे आया था माई इंटरेस्ट इज ऑलवेज बीन क्लियर दैट आई हैव बीन पर्सन हु इज ऑलवेज बीन इन टू लॉ. आई डिड माई LLB अराउंड 7 ईयर्स बैक फ्रॉम सिम्बियोसिस इंटरनेशनल लॉ स्कूल, इफ यू नो अबाउट दिस. मैंने मेरी LLB की, उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन हमेशा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी. फिर मैंने LLM की, मेरा LLM का मास्टर्स, यानी कि जो आप किस चीज़ में मास्टर्स करते हैं, दैट वॉज अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी लॉज. उसके बाद मैं मेरी PhD थीसिस राइटिंग करने गया. जब मैं मेरी फाइनल डॉक्टरेट की डिग्री लेने गया उसमें भी मेरी स्पेशलाइजेशन हमेशा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी लॉज, इन्हीं के ऊपर रहा है. सो एनी सब्जेक्ट विच आई हैव एवर 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 डेल्ट इन ओवर हियर और एवर टॉट, मैं उस सब्जेक्ट को तभी पढ़ाता हूँ मैंने जब उसमें या तो स्पेशलाइजेशन किया हो, जब मैंने उसमें मास्टर्स किए, या फिर मैंने उसमें प्रैक्टिकली काम किया. अगर आप एग्जीक्यूटिव में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव में आई टेक देम JIGL और समथिंग. सो आफ्टर माई LLB आई वर्कड अंडर मेनी लॉयर्स इन कोर्ट्स इन फर्म्स. सिर्फ वही सब्जेक्ट लिया जिसमें मुझे आइडिया है, उसके अलावा मैं कभी हाथ नहीं लगाता. अगर आप यस की पूरी टीम देखें तो यस की पूरी टीम ऐसी है जिसके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसी के बाद उसने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा वरना नहीं. टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग, विकास इज द गॉड फॉर ड्राफ्टिंग. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे 50 ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं और मुझे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है. मुझसे हर टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, आई हैव नो डाउट्स फॉर दिस. एंड बाकी सारे टीचर्स पे विश्वास दिखा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ हाँ. बट ड्राफ्टिंग में किसी की हिम्मत नहीं है दैट इवन समवन कैन टच. आई फील सो बैड कि विकास भैया को इसी टाइम पे कोविड होना था, बट इट्स ओके. 3 डेज, डू नॉट यू नो मूव आउट टू अ फास्ट डिसीजन. सिर्फ 3 दिन रुकना है, मंडे को विकास भैया आएंगे लाइव और जस्ट सी द वे ही टेक्स ड्राफ्टिंग. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव हर्ड अबाउट ड्राफ्टिंग. एकदम ठीक है. अब एक दो क्वेश्चंस. अच्छा भाई, कुछ क्वेश्चंस हो जिसको सर रिकॉर्डेड या लाइव, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, उन सब के लिए आ जाता हूँ. सर फॉर December 2021 कैन आई परचेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स? नो प्रॉब्लम, यू कैन वेरी वेल गो फॉर December 2021 बिकॉज इन लोगों ने अभी अभी अपना मॉड्यूल रिवाइज किया. आई डोंट सी गवर्नेंस में इतने जल्दी चेंजेस नहीं आते, गवर्नेंस में कभी भी इतने जल्दी चेंजेस नहीं आते. यू आर वेरी गुड टू गो. आप कभी भी आराम से अभी के लेक्चर्स ले सकते हैं और आराम से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर कोई भी लेक्चर में अमेंडमेंट आया तो घबराना क्या है. दिसंबर के लिए वापस से एक लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अगर कोई भी चैप्टर में अमेंडमेंट आया तो मैं वही नया चैप्टर आपकी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा. सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि आपको अलग से अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे. गेटिंग द लॉजिक? अभी जो आपको चैप्टर्स मिल रहे हैं दीज आर अमेंडेड टिल June 2021 एंड फॉर December 2021 एज ऑन डेट. लेट्स से कि जून के अंदर 2 अमेंडमेंट्स आते हैं चैप्टर में, 2 चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स है, तो मैं जून में तो वैसे ही नया बैच ले रहा हूँ. उस नए बैच के वो दोनों चैप्टर्स आपकी ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे. सो नथिंग टू वरी. सेकेंडली सर, गवर्नेंस है. ऐसा नहीं होगा कल ऑडिट कमेटी और NRC को हटा ही देंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना भाई कि ऑडिट कमेटी नहीं रखनी. क्या हो सकता है? ऑडिट कमेटी की लिमिट में कुछ चेंज आ जाएगा, NRC की कमेटी की लिमिट में कोई चेंज आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई इतना बड़ा एडिशन या फिर डिलीशन हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. सिर्फ क्या हो सकता है December 2021 के लिए, जो मैं इतने टाइम से पढ़ाते पैटर्न समझ पाया हूं, दैट इज ओनली वन, ये लोग एडिशन कर सकते हैं, कोई पुरानी चीज का डिलीशन कर सकते हैं. सो वी आर वेरी गुड टू गो. अगर आपको December 2021 तक के लिए भी ड्राइव लेनी है, यू आर वेरी गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, दैट इज डन. नेक्स्ट प्रियंका, अगर आपने लाइव लिया तो लाइव हम लोग स्टार्ट करेंगे मिड में और वहां से हमें 3 मंथ्स लगेंगे, और आपने ड्राइव लिया तो वो तो 1.5 महीने में पूरी ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी. आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. कमिंग डाउन नेक्स्ट, लाइव और रिकॉर्डेड. अगर अभी तक अपने दिमाग में ये फाइट है, सो मेक इट वेरी क्लियर, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है. आप लाइव लो, रिकॉर्डेड लो, कंटेंट दोनों में सेम रहता है. इफ यू आर समवन हु लाइक्स डिस्कसिंग एवरीथिंग, यू शुड कम फॉर लाइव. एंड इफ यू आर समवन की यू डू नॉट डिस्कस मच, आप आराम से सुनते हैं, समझते हैं, खुद के रीजनेबल क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और कभी कभार डाउट्स आते हैं, गो फॉर ड्राइव. इफ यू आर डूइंग एनी इंटर्नशिप और दिन का टाइम मैच नहीं होता, गो फॉर ड्राइव, लाइव आने का कोई सेंस नहीं बनता. सर विदाउट टेस्ट दिए भी आप जो टेस्ट पेपर दोगे हम उसको खुद लिख के कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा आंसर होना चाहिए था, टेस्ट की इतनी ज्यादा खासी कोई जरूरत नहीं है,
गो फॉर ड्राइव, देर इज नो प्रॉब्लम विद ड्राइव. तो इफ समवन इज फोर्सिंग यू टू कम डाउन टू लाइव, आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू यू नो फोर्स यू फॉर लाइव. दोनों में से कोई भी चीज कंप्लीटली फाइन है, इट्स योर चॉइस. इफ यू थिंक आप लथार्जिक नहीं है, आप ऑन टाइम रोज वीडियो देख के खत्म करेंगे और ऑन ट्रैक रहेंगे, गो अहेड विथ ड्राइव, देर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है सर, आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड वन मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल फॉर लाइव बैच, वाई When will they give the details of the app? Anusha, I think आपको ऑफिस में बात कर लेनी चाहिए. राइट, यस यू गुड टू गो यार. Anusha यार, आपको ऑफिस में बात करनी चाहिए, दे आर द राइट पर्सन टू टेल यू. अब ठीक है यार, मेरे को लगता है मैंने मेरे बारे में बता दिया, मेरी क्लास के बारे में बता दिया. आई थिंक विपुल सर का लेक्चर आपने अटेंड कर ही लिया है, आप लोगों ने विकास भैया के लेक्चर के लिए 3 दिन रुकना है. कोशिश करूंगा कि आने वाले जो 30-40 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत हो गया प्रमोशन, बहुत हो गई बातें, अब मुझे थोड़ी सी देर पढ़ाने दो, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी पेट में मेरे एकदम भर जाती है अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो. सो इट डजंट मेक सेंस टू मी. अच्छा, जीआरएमसी के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब कुछ देखना होना, आप खाली जीआरएमसी के डेमो लेक्चर सर्च करोगे ना तो मेरा फर्स्ट लेक्चर डला हुआ है, आप उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना. मैं इस डेमो में आप लोग को पढ़ाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ना कि सिर्फ आपका इंडेक्स इंट्रोड्यूस करूं, बिकॉज इट वुड नॉट मेक सेंस अगर मैं आपको बैठ के इंडेक्स पढ़ाता रहूंगा सिर्फ. ठीक है, गुड टू गो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड वी स्टार्ट. आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग जर्नी एंड आई रियली होप दैट आई विल मेक दिस जर्नी अमेजिंग एंड आई विल मेक यू लव दिस सब्जेक्ट एंड आई विल ट्राई टू मेक यू फॉल फॉर दिस मोर देन टैक्स एंड मोर देन ड्राफ्टिंग, ऑल्दो As per them, it seems more interesting. ठीक है किरित, we can discuss this on call or something like that. I think मेरा demo का time waste हो जाएगा and I'm really interested to teach today. ठीक है, is everyone ready? Just please give me a thumbs up and we shoot. चलो प्यार कराता हूं तुमको आज गवर्नेंस से. सर आई रिक्वेस्ट योर अकेडमी स्टार्ट जेएमएफसी क्लास. अरे अम्मा मैं रिटायरमेंट के मूड में आ गया हूं, अब मेरे से जेएमएफसी मत पढ़वा यार. एंड इट इज रियली एन अमेजिंग कोर्स. आई वुड लाइक टू टेक लॉ क्लासेज और जेएमएफसी समथिंग लाइक दैट, बट नॉट विद द करंट स्केड्यूल. बट डेफिनेटली वी विल आस्क द टीम दैट इफ इट कुड मेक सम गुड टीचर्स एंड कम अप विद दिस, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू अनाउंस इट. चलेगा, शुरू करते हैं. मोस्ट वेलकम टू, आई एम सॉरी, वेलकम टू दिस बैच ऑफ जीआरएमसी. आई रियली होप दैट दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोज वॉच इट लेटर, यू गाइज स्कोर अमेजिंग इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स फॉर जीआरएमसी. हाँ जी भैया, क्या नाम है किताब का? किताब का नाम ध्यान देना भैया, किताब का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात चल रही. अब देखो क्या है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब उसने इसको क्या बोला, इसमें है सब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड. इसने बोला गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस. थैंक यू सो मच अखिल. एंड एथिक्स जीआरएमसी, अ बुक जीआरएमसीई which gives you 100 marks, a subjective paper, a very simple book, a very interesting book, just make it more interesting when you're learning. अब जब आप बात करते हो governance की, risk management, compliance and ethics की, सर अपन लोगों ने क्या पढ़ना है? सर पार्ट ए में मेजरली हम सिर्फ governance, governance, governance के साथ डील करेंगे. फिर रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ एक चैप्टर है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में एक ही चैप्टर है जो स्ट्रेट आपके जेब में 20 नंबर डाल के जाएगा, लिख के लेना 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे आपके. ठीक है सर, compliances and ethics. Ethics पहले के टाइम पे जब पुराने पोर्शन होते थे ना, तब ये 50-50 नंबर खींचता था, अब इसे 10 नंबर के लिए रह गया, अब इसे 10 नंबर के लिए रह गया. हमारा देश समझ गया है कि हम कितना एथिक्स में मानते हैं, उसने उसी हिसाब से आईसीएसआई ने इसको 10 नंबर की वेटेज दी लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में. तो 10 नंबर कहने के बाद भी इसमें सिर्फ 5 ही नंबर का क्वेश्चन आया था. तो इसीलिए अपन ने इनके बाइफरकेशन पे मानना नहीं है, इनके बाइफरकेशन पे मानना नहीं है. नाउ व्हाट इज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स? नाउ अंडरस्टैंड, I'll tell you a case. This is the
केस ऑफ एनरॉन, दिस इज द केस ऑफ एनरॉन, जहां पे सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि यार गवर्नेंस की बहुत जरूरत है. मैंने मेरे प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग में भी सबको बताया था यार इस एनरॉन कंपनी ने क्या किया था. आप एनरॉन ले लो या सत्यम ले लो, दोनों ने एकदम सेम किया. मतलब सत्यम इज द मिनी एनरॉन. व्हाट अमेजिंग. लेट एनरॉन बी, लेट्स टॉक अबाउट सत्यम. सत्यम ने क्या किया, एवरीवन और एनीवन हैज हर्ड अबाउट सत्यम स्कैम. एनीवन हैज हर्ड अबाउट द सत्यम स्कैम. सर इतना ब्रिलियंट स्कैम अपन ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा. भैया एक कंपनी आई तुम्हारे सामने आके बोलती है कि तुमको विश्वास है क्या हम लोग आप एक बात से मेरी तरफ देखना, आपको विश्वास है हम पे. हमने कहा है, बोले सॉफ्टवेयर्स की बात आ गई, कंप्यूटर्स की बात आ गई, सिर्फ सत्यम कंप्यूटर जाना जाएगा याद रखना. भाई साहब उन लोगों ने इतना अमेजिंग तरीके से ग्रो करना स्टार्ट किया, इंडिया का हर इन्वेस्टर से सत्यम की तरफ देखने लगा कि वाओ क्या अमेजिंग बढ़ रहे हैं यार, कितने अमेजिंग बढ़ रहे हैं प्रॉफिट्स. भाई एक एक क्वार्टर में 200 करोड़ लगेंगे, इतना प्रॉफिट. और ये बातें चल रही है जब 2010 भी नहीं लगा था तब के रिटर्न्स. भैया यूएस वाले लोग आए, यूएस वाले लोग कह रहे भैया आप तो गोल्डन बर्ड हो, यू आर द गोल्डन बर्ड, आप वर्ल्ड की टॉप 3 लीडिंग में आओगे, आप वर्ल्ड की टॉप 3 लीडिंग कंपनीज में आओगे, आप देखो आप क्या लीड करोगे. हमने कहा ये हो क्या रहा है, एक सेकंड रुक जा, हम इंडिया से है ना पक्का टॉप 3 वर्ल्ड में. हमने इनसे पूछा कि सर ये कैसे कर रहे हैं इतना. यूएस बोला हमको नहीं पता पर ये गोल्डन बर्ड है भाई, इससे बढ़िया कंपनी नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं कि शायद एक दिन वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन जाए. सारे इंडियंस बोले यूएस बोला मतलब बढ़िया, यूएस बोला मतलब बढ़िया, लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा. सत्यम ने सबका पैसा लिया, आराम से सबका पैसा लेके रखा. और एंड में हमारे राजू लिंगम जी बाहर आए, उन्होंने एक बढ़िया सा चिट्ठी लिखा, बोले कि देखो क्या है ना, हम तुम्हें इंग्लिश में नहीं, हम तुम्हें हिंदी में बता रहे हैं कि हमने काटा है, हमने जबरदस्त काटा है. कैसे काटा है अभी देखना. उन्होंने एक लेटर लिख के बोला कि भैया वी एडमिट कि कुछ तो हमारी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम्स आई है, एरर्स आए हैं, हमने उन एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करी और हमने सारे पॉसिबल मेजर्स लेके देख लिए, हमने सब कुछ करके देख लिया, बट हम इतने हैवी लॉसेस, हम इतने हैवी मिसकैलकुलेशंस को अब वापस ऑन ट्रैक नहीं ला पा रहे हैं एंड वी हैव आई सरेंडर टू द लॉज ऑफ द लैंड. ये पकड़ो चिट्ठी, सत्यम बंद. सारे के सारे इन्वेस्टर्स, पूरा का पूरा इंडियन मार्केट वूप क्रैश. हम लोग इतनी बुरी हालत में आ गए थे कि बहुत जल्दी इस मार्केट को बंद करना पड़ेगा वरना आप लोग आपके मार्केट को कांगला कर दोगे, मतलब जीरो पे लेके आ जाओगे, इतनी बुरी तरह से सब भाग रहे हैं. हमारा इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट इतना अटैच्ड होता है ना, आप समझना सत्यम जैसी कंपनी का पैसा डूबा, अब ये लोग अपनी बगल वाली को फोन करेंगे, तूने कहां इन्वेस्ट किया है, हमने टेक महिंद्रा में लगाया. सत्यम गया तो टेक महिंद्रा तो जरूर जाएगा, क्या बात कर रहा है, 100% टेक महिंद्रा कौन सा कम है, हमने खुद देखा है मिसकैलकुलेशंस, वेरी बैड, ऑडिटर खरीदा हुआ है इन्होंने, क्या बात कर रहा है, अबे निकाल, टेक महिंद्रा गिरा भैया, सत्यम गिरा टेक महिंद्रा गिरा. एक सेकंड बेटा, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंक से कितना लोन लेके बैठी है, ये डूब गई तो बैंक का पैसा भी डूब जाएगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा तो आपका भी डूब जाएगा. ठीक है, नहीं नहीं आप रखो, ओ ओ ओ एग्जिट एग्जिट एग्जिट, सब लोग मार्केट से सिर्फ एग्जिट लेने लग गए, सब लोग मार्केट से सिर्फ एग्जिट लेने लग गए. एंड सेबी बोले ये कर क्या रहे हो बे, अबे वो एक कंपनी गई है तुम सब डूब जाओगे. इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भाई आज तू चीख ले, तू ढोल लेके नाच ले, तू भाई साहब तू बीएससी एनएससी सबको लेके आ जाए यहाँ पे, आज हमें रोक के दिखा. भैया सेबी बाहर आया, सेबी ने बोला एक सेकंड भाई सुनो, मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ अगर तुम्हारा पैसा डूबा ना मैं वापस देगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से निकाल के देगा, सब कुछ देगा, रुक जाओ. इन्वेस्टर बोले ये मुस्कान की चमकान कहीं और, कुछ भी हो जाए नहीं देने वाले, कुछ भी हो जाए नहीं करने वाले. इन्होंने सेबी बोला अरे मरवाएगा, कुछ तो करो रे भाई 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 भाई. तो सेबी को अचानक से पीछे से गवर्नमेंट ने आवाज दी, सेबी ये नहीं मानने वाले, मार्केट बंद कर दे वरना तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी. सेबी ने शट ब्लैक डे डाला और बंद किया मार्केट. उसने कहा ए बंद करो, कोई बाइंग सेलिंग नहीं, चुप, सबके सब रुके रह गए. भाई क्या किया तूने, हम सेबी बोला अबे एड़े तुमने अक्कल लेके क्या कर रहे हो, तुम क्या पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से मैच करवाओगे हमको, दो मिनट रुक जाओ, रुको जरा, हम है ना देख रहे ना, एक मिनट. फिर पूरा दिन मार्केटिंग चली, समझाया गया, फिर जाके मार्केट को वापस से ओपन किया गया. बट इफ यू सी एक स्कैम ने पूरे मार्केट को लेफ्ट राइट करके रख दिया, एक स्कैम ने पूरे मार्केट को लेफ्ट राइट करके रख दिया. पर एक बात बताओ, एक स्कैम तब तक इतना बड़ा नहीं होता, एक स्कैम तब तक इतना बड़ा नहीं होता जब तक आप लोग अगर नोटिस करते ना, हम लोग अगर उसकी सिर्फ गवर्नेंस देख लेते ना,
आपको तभी समझ में आया था कि वो कंपनी गलत थी। सर कैसे? सर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहती है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहती है एडिक्वेट एंड ट्रू डिस्क्लोजर्स। एडिक्वेट एंड ट्रू डिस्क्लोजर्स, सब देख रहे भैया पर कोई नहीं आ रहा, कोई ट्रू डिस्क्लोजर नहीं किया। अच्छा एक सेकंड सर, आपने कहा सत्यम ने एडिक्वेट और ट्रू डिस्क्लोजर किए थे, आप झूठ बोल रहे हैं। अबे चुप, तुमको पता है उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिटर्न्स में साले गंवार के बच्चे क्या दिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं भाइयों हमने तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया है। हमने कहा वाह मिरेकल, पैसा इन्वेस्ट किया, हमने कभी सोचा ही नहीं था। उसने बोला हमने इस पैसे को लोन पे चलाया, और तुमको पता है कितने पे? 0.1% इंटरेस्ट पर ईयर। कभी खानदान में सुना तुमने 0.1% इंटरेस्ट? अब देखो अपन तो क्या है ना, अपन दिलबर लोग हैं, हम कहते हैं कि भैया आप ये कह दो कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बात ही खत्म हो गई, हम क्या चेक करेंगे बैठ के। किसी ने भी उनकी बैलेंस शीट पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो 0.1% इंटरेस्ट रेट पे यील्ड दिखा रहे हैं। साले ठुल्ले, अगर हम लोगों ने किसी घटिया सहकारी उपभोग भंडार में भी रखा होता ना पैसा, तब भी 4% इंटरेस्ट रेट आता। कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, तब भी 4% इंटरेस्ट रेट आती, तुम 0.1% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। आपने कहा साला ये तो सोचे नहीं। अगर मान लो अगर ये चीज अपने ने पहले देख ली होती, आपको नहीं लगता पता पड़ जाता कुछ तो पंगा है? आपने कहा सर बात तो सही। आपने कहा सर एक सेकेंड इसमें गवर्नेंस क्या है? ये तो ऑडिटर का काम था, ऑडिटर चेक कर लेता, ये तो ऑडिटर चेक कर लेता, ऑडिटर बताता हमको। हमने कहा एड़े इधर, जब इस दुनिया में साला कुछ भी बिक सकता है तो तेरे को लगता है ऑडिटर नहीं बिकेगा? भाई ब्लैक एंड व्हाइट थे इनके ऑडिटर, सच में बिक गए सारे के सारे। ऑडिटर्स के पास फाइनेंशियल अकाउंट होने का 0.1 गुड इन्वेस्टमेंट, द बुक्स ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। आपने कहा ऑडिटर कह रहे हैं, बात खत्म, बिल्कुल सही है। सेकेंड इश्यू दैट ऑल द वर्क शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो इन लोगों ने नहीं किया। इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं किया, अच्छा सर सर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं किए, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम नहीं किया, नो मैलाफाइड एक्टिविटीज एंड कंप्लायंसेस। सर कंप्लायंसेस भी तो नहीं करे, इतने क्लेवर लोग थे कोई कंप्लायंस पे ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, मस्त चला रहे हैं। लास्ट रिपोर्टिंग, भाई साहब रिपोर्टिंग में तो इन लोगों ने जो हालत की है ना, मतलब एक बार के लिए मुझे विजय माल्या क्यूट लगता है भैया, लेके डायरेक्ट निकल गया। इन्होंने बैठ के 2 साल खेला है तुम्हारे साथ रिपोर्टिंग में, क्या रिपोर्टिंग की है भैया? कह रहे हैं कि देखो हमने पैसे तो 200 करोड़ कमा लिए हैं, पर दिक्कत ये है हमारे पास इंप्लॉयज भी तो बहुत सारे हैं ना, तो खर्चा करना पड़ता है, तुम समझते नहीं हो। हमने कहा नहीं सही बात है, इतनी डेवलप हो रही है, अपने को डिविडेंड के पीछे नहीं दौड़ना है, अपन ने देखना है कंपनी कितनी बड़ी मार्केट वैल्यू कर रही है, रुके रहो। वो बोले हाँ रुके रहो, थोड़े से दिन और रुको, मजा आएगा तुमको। वो बोल रहे इंप्लॉयज बहुत सारे इंप्लॉयज हैं, पैसा देना पड़ता है भर भर के। साला बाद में चेक किया, इनके 60% ऑफ द एक्सपेंसेस जो सैलरीज में इंप्लॉयज को दिखाते हैं ना, वो इंप्लॉयज सिर्फ नाम पे थे, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हमने कहा वाह तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, मतलब कभी जीवन में हमने नहीं सोचा होगा कि ये भी कर सकता है कोई। ठीक है, असली झटका तो कब लगा हमें, जब ये पता पड़ा कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट भी अपने ही होम कंपनी में किया है, मतलब अपनी ग्रुप कंपनी में, और उस ग्रुप कंपनी से 0.1% पे इंटरेस्ट लिया है, और इस कंपनी से आगे लोन दिया है 8% पे। मतलब हमारे पैसे से तुम 7.9% कमा रहे थे हमको ही बिना बताए, और हम ताले में बजा रहे थे। भाई साहब ये सब तो छोड़ दो, जब इसे पता पड़ा यूएस वाले हिल गए, यूएस वाले कह रहे सर ये हमारे साथ कर गई है, गजब कर रहे। सभी बोला अच्छा अच्छा सब 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 ठंडे हो जाओ, अब रुक जाओ, हो गया, कर लिया स्कैम, ए राजू अरेस्ट कर इसको, अंदर लेके जाओ इसको, अंदर बैठा सर यूएस वालों अरेस्ट कर लिया हमने, रुक जाओ अब। अब आई स्वेर आज से हम लोग ना इंडिया में एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड लाएंगे। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड लें, आप टेंशन मत लो, हम पे विश्वास है कि नहीं है? है ना, देखा ना
बोला हाँ है तो सही, पर वो हमारे पैसा छोड़ो यार, रिश्ते की बात होती है, क्या है तुम्हारा 1,000-2,000 करोड़ चला भी गया तो तुम छोटे हो जाओगे क्या, जाने दो। यूएस वाले बोले चल क्या रहा है यार। यूएस वाला बोले गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होगा, तुम्हारे यहाँ की कंपनीज को ढंग से रिस्क भी नहीं मैनेज करना आता, उसने कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे कंपनी सेक्रेटरीज को ये भी सिखा देंगे, एक पूरा चैप्टर डाल देंगे 20 नंबर के लिए। तो इस पूरी बुक में आपको सबसे पहले सेट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म सिखाए जाएंगे जो सिर्फ इंडिया के नहीं है, हम यूके के, यूएस के, सिंगापुर के, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, सबके कोड सीखेंगे, सबके कोड सीखेंगे। आर वी ऑल टुगेदर? यस वी आर। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक डील्स विथ द सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, द सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस विच अ कंपनी मस्ट डू, विच अ कंपनी मस्ट डू वाइल दीज गाइज, वापस सुना, विच अ कंपनी मस्ट डू वाइल दीज गाइज आर परफॉर्मिंग इन द मार्केट। आर वी ऑल क्लियर विथ वॉट इज गवर्नेंस? गिव मी थम्स अप। आर वी ऑल क्लियर विथ वॉट इज गवर्नेंस ऑल अबाउट एंड हाउ डिड द आइडिया ऑफ गवर्नेंस केम इन? थैंक यू राजलिंगम। थैंक यू सो मच अखिल एंड प्रसाद एंड अनुषा। लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आई एम प्रिटी हैप्पी दैट यू गाइस आर लाइकिंग इट। Now listen about risk management. Now listen about risk management. See, many people are confused with a mishappening and a risk management. There's a big difference between a mishappening and a risk management. अच्छा समझना। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग। सिर्फ सुनना, मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये किया, मैंने किया है, आपका नहीं पता। अच्छा कभी ऐसा हुआ है, 12th का पेपर था, 11th का पेपर था, 10th का पेपर था, तुम लोग गए पेपर देने, ठीक है? देखो पेपर देख के याद रखना, ये बात मेरी एकदम गुरु गणित की तरह याद रख लेना, जब तुम पेपर के बीच में क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ सकते हैं ये गिनने लग जाओ तुम फेल हो। रिपीट करो मेरे साथ, जब कभी भी तुम क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर लिखते वक्त अगर उल्टे जाके क्वेश्चन और उसमें से कितने मार्क्स स्कोर करोगे गिनने लग जाओ तुम फेल हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम्हारा फेल होना डन है, ठीक है? हाँ जी। अब देखो अब क्या होता है ना, जब कभी भी अपने सबने 10th 11th 12th में ऐसा पेपर देने गए हैं और पेपर गजब आया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ना 11th में अकाउंटेंसी का पेपर दे रहा था भाई साहब, ऐसा पेपर, ऐसा पेपर मतलब मेरे पाँव से जमीन निकल गई, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में था नीचे, ऐसी बुरी हालत थी। मैं घर आया, मैंने कहा देखो मेरे को पता था कि 10 दिन में रिजल्ट है, मेरे को पता था 10 दिन में रिजल्ट है और बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, ठीक है? तो आई आइडेंटिफाइड द रिस्क, आई आइडेंटिफाइड द रिस्क। मैंने कहा मौत सामने से आ रही है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में लिखा होगा FAIL, दैट्स द न्यू स्पेलिंग ऑफ पास, मैंने कहा बहुत मारेंगे, और पिताजी के तो मुंह पे लिखा होता कि देख तेरा जबड़ा नहीं हिला दिया, तो मैंने कहा बहुत मारेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं घर आया, मैंने घर आते ही कहते हैं, मैं कहा आज तो यार पेपर में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, 2 बार उल्टी आई। मम्मी कह रही अभी तो नहीं कर रहा उल्टी, मैं कहा फिर दवाई ली डॉक्टर ने उधर, अब ठीक लग रहा है। और वो टीचर से भी सुबह सुबह मेरा झगड़ा हो गया था, वो कह रही थी कि तुम पास होके दिखा दो इस बार तो तुम्हें फेल करूंगी, मैं कहा मेरे से बहुत छिड़ती है यार, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। और हाँ पेपर भी आज थोड़ा टफ था ही, और उल्टी के समय लिख नहीं पाया, मैंने इकट्ठे सारे बहाने दे दी। मैं कहा जो जहां पे सेट हो जाएगा कब मार पड़ेगी, ठीक है? सो आए आइडेंटिफाइड द रिस्क, आई आइडेंटिफाइड द रिस्क, ठीक सर, ठीक। मैंने कोशिश करी उसे मिटिगेट करने की, मिटिगेट करना मतलब उसे हटाने की, ठीक है? और अब मैं इसे मॉनिटर कर रहा था, अब मैं इसे मॉनिटर कर रहा हूं कि रात को मम्मी और पापा क्या बात करेंगे। तो रात को मैं बकायदा, अच्छा वैसे मैं हर रात कहीं घूमने चला जाऊंगा, वैसे मैं हर रात कहीं घूमने चला जाऊंगा, पर उस दिन मैं कमरे में चुप करके लेटा हुआ था, पापा मम्मी बैठे थे साथ में, तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था उनके आसपास। जब वो दोनों बात करने लगे तो मैं थोड़ा हट गया, मैंने कहा मम्मी पापा को सेटल कर लेगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मम्मी ने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो मैं पूरा मॉनिटर कर रहा था कि रिजल्ट के दिन क्या होगा।
रिजल्ट के एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले मैंने फिर से पूरी की पूरी वैसा का वैसा सीन बनाया और उन्हें बताया कि मेरी तबीयत कितनी खराब थी। रिजल्ट 11th क्लास अकाउंट्स 24 नंबर, मतलब कि पास होने से मैं 12 नंबर दूर था। नंबर आए, मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मैंने मम्मी की तरफ देखा। अब सुनना मेरी बात, देखो मारेगी तो मुझे घर जाके, मारेगी तो मुझे घर जाके। दिक्कत मुझे वहां लग रही थी कि यहां जो मेरे दोस्तों के सामने मेरा कचरा करेगी उसका क्या, और भाई को चाहिए इज्जत, भाई को चाहिए इज्जत। तो भाई मम्मा बकायदा एकदम ऐसे देख रही थी, चुप बैठी, नीचे उतरी, पापा को फोन किया कि लेने आ जाओ। हम गाड़ी में बैठे, मैं खुद ही पीछे बैठ गया, घर गए। अब मेरी बात समझना, छोड़ दो मेरे साथ क्या हुआ और मुझे कितना मारा, वो जरूरी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करी कि रिस्क आइडेंटिफाई करके मिटिगेट किया। मैं एक चीज भूल गया, मैं एक चीज भूल गया कि ये स्कूल टीचर से बात भी तो कर सकती थी कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी कि नहीं। स्कूल टीचर ने बोला उस दिन तो बिल्कुल बढ़िया था, बढ़िया हट्टा कट्टा बैठा हुआ था, पूरे पेपर में चिट्ठियां उड़ा रहा था बैठ के। उस चक्कर में फंस गया, फिर मारा मुझे इन लोगों ने घर पे, और मतलब इधर उधर फेंक फेंक के मारा, ठीक है ना। मतलब टीएस ग्रेवाल भी आके रोक लेता उनको कि छोड़ दो यार, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़े सिंपल क्वेश्चन बना दूंगा, इतनी बुरी हालत कर दी। एंड वेयर रिस्क मैनेजमेंट सेड दैट जस्ट टू आइडेंटिफाई मिटिगेट एंड मॉनिटर इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड फॉर द रिस्क, कि कैसे आप इस रिस्क से बच सकते हो। नाउ रिस्क मैनेजमेंट एज पर द कॉर्पोरेट लॉज और एज पर गंभीर लॉ, व्हाट डज रिस्क मैनेजमेंट मींस? सर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है जब कभी भी एक कॉर्पोरेट काम कर रही है, इट हैज टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल रिस्क आर कमिंग टुवर्ड्स देम, बट जस्ट आइडेंटिफाइंग द रिस्क इज नॉट इनफ। यू हैव टू मिटिगेट दोज रिस्क, यानी कि आपको उन रिस्क को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंड हाउ डू यू डू इट? बाय प्रोवाइडिंग फॉर इट, बाय प्रोवाइडिंग फॉर इट मतलब कोई मेजर्स बना के, कोई पॉलिसीज बना के, कोई तरीका बना के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब करने के बाद यू हैव टू मॉनिटर दैट वेदर आर पॉलिसीज आर वर्किंग राइट और नॉट। अरे बहुत मारा था, मत पूछो यार, तुम ये चीज पूछने की नहीं होती, ये चीज दबाने की होती, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल गया, आज तक निशान है पीठ पे। ठीक है, बोलो आर वी क्लियर व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? सर एक एग्जांपल दे दे, मजा आ जाता। नोकिया आई थिंक इज द फाइनेस्ट ऑफ एग्जांपल्स दैट कुड यू नो एवर स्टेप इन ओवर हियर। नोकिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स यू कुड एवर कम डाउन टू। नोकिया फ्रॉम बीइंग द मार्केट लीडर्स टू वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनीज सोल्ड, नोकिया सॉस दैट हाउ when time changes and you do not identify what is coming towards you, what happens? Nokia happens to be a status symbol. Everyone agrees with me. Nokia happens to be a status symbol when it were Symbian phones. Shayad agar aapne naam na suna ho, inhe Symbian phone kaha jata tha. If you do not know, just to put it on records, that Nokia was the first company jisko Android offer kiya gaya tha. That you know, Nokia should come up with Android phones. And Nokia came against बैक इन फ्रंट एंड उन्होंने आके बोला अभी इंडिया एंड्रॉइड के लिए तैयार नहीं, एंड द आइडिया ऑफ एंड्रॉइड इज शिटी, इट वुडंट फेच, दिस इज अ फोन नॉट अ गेमिंग फोन, और ना इतने हार्डवेयर स्ट्रांग है, ना ये गेम्स चलेंगे, ना कुछ होगा, एंड इन लोगों ने मना कर दिया। सो नोकिया वॉज लाइक कि नो, हम इतनी छपरी चीज नहीं करेंगे, बस यही नहीं करना था। दे सॉ कि भैया दूसरे फोन एंड्रॉइड लेके आ रहे, दे सॉ एवरीवन शिफ्टिंग, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड। You know, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फोन की क्वालिटी सुधार दी, उन्होंने अपने फोन की क्वालिटी सुधार दी। अच्छा, आज आप सब लोग यहां पे हैं, इतने सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं, टेल मी वंस, आज के टाइम पे जब तुम फोन देखते हो, क्या तुम एक बार ऐसा फोन उठा के बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप मालूम क्या देखते हो जब आप ये फोन उठाते हो, आपका एंटायर इंटरेस्ट इस फोन में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होता है, कैमरा कैसा है, गाने की आवाज कैसी आ रही है, स्मूथ चल रहा है कि नहीं, बैक इट रियली डजंट मैटर, इसके बाद तुम कुछ नहीं देखते, अपना धर्म ईमान सिर्फ कैमरे के ऊपर है, फ्रंट कैमरा अच्छा हुआ ना तो बात ही खत्म हो गई, पीतल जैसा मुंह है, अपने को चमका के दिखाना है, बात खत्म है, बस कैमरा दिखा रहा है, काम खत्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नोकिया नेवर रियलाइज दिस कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब स्ट्रांग फोन की जरूरत नहीं है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं जो यहां पर रख के गोलियां पड़वाएंगे हम, इतना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं थी, हमें फीचर्स चाहिए थे। नाउ दे नेवर आइडेंटिफाइड व्हाट वाज कमिंग, बिकॉज दे नेवर आइडेंटिफाइड, दे नेवर रियलाइज्ड व्हिच रिस्क इज टू बी मिटिगेटेड, एंड बाय द टाइम दे प्रोवाइडेड फॉर इट, इट वाज टू लेट एंड दे वर आउट ऑफ द मार्केट।
अब अगर कोई नोकिया खरीद रहा है तो 5 लोग उसका मुंह देख रहे हैं, क्यों नोकिया क्यों, उनके खुद में फोन में बोल रहे हैं हमने नोकिया। नाउ सी फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट जस्ट बिकॉज यू नेवर आइडेंटिफाइड व्हाट्स द प्रॉब्लम। जब अपन रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो रिस्क तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, रिस्क तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन देना है, कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम थोड़ा टाइम बाद भी अटेंशन दे तो चलता है, और कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जो नहीं भी आए मतलब नहीं भी प्रोवाइड किया तब भी कोई डर नहीं है, इतना रिस्क हम झेल सकते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट ऑल इज अबाउट टेलिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोवाइड मॉनिटर द रिस्क। अभी क्लियर विद रिस्क मैनेजमेंट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सर इज इट सेम एज कमला, अबे रुकना बात आ रहा है मैं सारा भाई। So now we know that what is governance, now we know that what is risk management, now we're coming down to compliances, now we're coming down to compliances. अब इसके अंदर ही आपको क्या बताएगा, that while working in a society, sir ऐसा मत बोलो Nokia 8.1 है, निर्मल क्यों, इट्स अ गुड फोन, मैंने मेरे डैड को नोकिया का फोन गिफ्ट किया, मैंने मेरे डैड को नोकिया का फोन गिफ्ट किया, सो नोकिया इज वेरी गुड। हाँ वो तो मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, नोकिया से बढ़िया कोई फोन ही नहीं, मतलब मेरा सपना है नोकिया खरीदने का, मैं भी खरीदता हूं। कमिंग डाउन नेक्स्ट इज कंप्लायंसेस, कमिंग डाउन नेक्स्ट इज कंप्लायंसेस। सर कंप्लायंसेस का मतलब क्या है, अब देखो ये पार्ट अपने को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ऑब्वियसली। अब यार ये बोलता है ना कि When you incorporate a company, आप disclosures कर रहे हो, ये good governance norm है, आप अपने board को बहुत efficient बना रहे हो, मतलब जिसकी जरूरत है वैसा रख रहे हो, आप बहुत अच्छी governance कर रहे हो, आपके board में independent directors हैं, minority shareholders को protect करने के अच्छे provisions हैं, governance के लिए आप लोगों ने कोशिश की है कि आप CSR अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब ये बता रहे हैं compliances, मतलब कि एक कंपनी जो प्राइवेट है, एक कंपनी जो पब्लिक है, इन लोगों को किस तरीके से कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हैं और हाउ इट इज टू बी डन, ये चीजें आपको कंप्लायंसेस में सीखनी है। ठीक है ठीक है, एंड एथिक्स, आई विल जस्ट कम डाउन टू एथिक्स इसके बाद, तुम लोग को अलग मस्ती चढ़ रही है। सर ये तो बेस्ट समझ में आ गया, एकदम बढ़िया। अभी कौन सा फोन है सर को, कल का आईफोन 12 कब सेल कर रहे हो? आई गॉट आईफोन 12 फ्रॉम विकास भैया येस्टरडे, मैं चलाऊंगा इसको कम से कम 8 से 10 महीने चलाऊंगा भाई। अभी विकास भैया से नई शर्त लग गई भाई, ठीक है ना, विकास भैया से नई शर्त लग गई, इस बार गवर्नेंस में अपन 85 मारेंगे, इस बार गवर्नेंस में अपन 85 मारेंगे, और विकास ने कहा कि अगर गवर्नेंस में किसी बच्चे ने 85 स्कोर कर दिया तो ही इज गोइंग टू गिफ्ट मी हायाबूसा। So it's on 85 तो भाई आए गई, चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, इस बार गवर्नेंस में 85 है अपने, लगा लेना जोर प्लीज यार, थोड़ा अच्छा पढ़ के ले आना प्लीज। ठीक है, सो नाउ वी नो व्हाट इज गवर्नेंस, नाउ वी नो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, नाउ वी नो व्हाट इज कंप्लायंस, एंड लास्ट इज एथिक्स, लास्ट इज एथिक्स। यार एथिक्स मेरे को लगता है इफ वन थिंग दे कुड रिमूव फ्रॉम Your module is ethics. जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली जरूरत नहीं है। अच्छा नाउ अंडरस्टैंड, यार ओके नाउ टेल मी, आई वॉन्ट योर आंसर एज टू व्हाट डू यू थिंक इज राइट ओवर हियर। आप सब अपना आंसर यहां पे लिख सकते हैं, इट्स जस्ट अ वन वर्ड आंसर व्हाट यू हैव टू गिव। यू गाइस हैव गिवन योर एग्जाम्स, आज हो रहा है December 21, आपके पेपर हो गए बढ़िया, फरवरी का महीना है, 25 तारीख थी, रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया है, और रिजल्ट में आप लोग का ऑल इंडिया 1 to 10 के बीच में सबके रैंक से, सबने बहुत ही शानदार स्कोर किया, भगवान करे कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सच हो। और अगले दिन आपको रिलायंस से ऑफर आता है, आपको टाटा से ऑफर आता है, आपको L&T से ऑफर आता है, आपको बजाज से ऑफर आता है, हर जगह से ऑफर आ गए भैया, 25-25 लाख से नीचे के पैकेज नहीं किसी के। ठीक है, अब इसमें से एक है
अनुषा, ठीक है। अब अनुषा हमारी एक बहुत ही पिछड़े गरीब गांव की लड़की है, ठीक है। गरीब गांव कौन सा है यार? एक तो यहाँ पे देश में कोई गरीब रहे ही नहीं है, सब अमीर हो गए। कोई गरीब गांव ले लो यार, मतलब सतारा। अच्छा, कोई सतारा से तो ऑफेंड मत होना, एग्जाम्पल की बात है। तुम अमीर, मैं गरीब, मैं भिखारी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल है। कोई सतारा से, ये बेचारी एक फार्मर्स फैमिली से आती है जिसके पिताजी खुद अभी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं मोदी जी के अगेंस्ट, और भैया खाने पीने के वांदे। इस बंदी ने मेहनत करी है, मेहनत करी है, मेहनत करी, इसने पैसा कमाया भाई, मेहनत करके पैसा कमाया, ठीक। आज इसकी जॉब लग गई, 25 लाख रुपए की जॉब है, ये निकली है। बस एक ही दिक्कत है, इसका जो बॉस है उसका नाम है विकास वोरा। इसके बॉस का नाम है विकास वोरा और बहुत ही खड़ूस है। अगर इसने कोई भी गलती करी तो पहले दिन ही धक्के खा के नौकरी से बाहर जाएगी। ये रास्ते में जा रही थी, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी भगा रही थी, ठीक है। अब जब ये एक जगह पे स्टॉप पे एक कहीं सिग्नल पे रुकी, राइट साइड में इसने देखा, राइट साइड में इसने देखा, इसी के बैच का एक बहुत ही बढ़िया आदमी जो खुद पास हो गया था, उसका भी रैंक लगा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर रहा है। नाउ देयर टू ऑप्शंस। वन, छुट्टी ले ऑफिस से, जाए बंदे को उठाए हॉस्पिटल लेके चली जाए। वन सेकेंड, गाड़ी चालू कर, रवानी हो जा और ऑफिस पहुंच। पक्की बात है, वहां गई तो ये मर जाएगा, यहां गई तो नौकरी जाएगी। वॉट वुड यू डू सर? वॉट विल वी गेट इफ वी गेट 85 अदर देन गुड रिजल्ट? अबे करण, अपन दोनों भाई भाई राइड पे जाएंगे, घूमेंगे, मेरे साथ 7 दिन पार्टी करना भाई। तू 7 दिन नॉन स्टॉप पार्टी, जहां तू बोलेगा वहां पार्टी कराऊंगा भाई मैं तुझे। और 85 भी तो तुम्हारे ही आ रहे सालो कंजरों, कर तो ऐसे रहे जैसे 85 में मेरे लिए ला रहे हैं, लाएंगे खुद के लिए पर बिहेव ऐसे करेंगे कि मतलब हम 84 भी ला सकते थे, तेरे लिए एक नंबर ज्यादा लाए। हाँ भाई, निम्ति कह रही है सर मैं तो मरते हुए आदमी को पूछूंगी, नौकरी फिर मिलती रहेगी, पर घर पे बापू बीमार हो जाएगा। तुमने 25 लाख की नौकरी छोड़ दी है, ठीक है, ओके। महेश कम्स अप एंड सेज सेव द मैन, सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, कैसे सीएस हैं ये लोग, इनको काम करने की लालच है नहीं, वैसे रहन दे फिर इनका। मैं इनको कह रहा हूं इनकी नौकरी लगी, नौकरी चली जाएगी, इंसान बेचारे, एक एम्बुलेंस को फोन करके डायरेक्ट नहीं जा सकते थे? या वहां पे सामने वाले बंदे को 5,000 रुपए दे देते कि भाई ले इसको लेके जा, नौकरी छोड़ दी इन लोगों ने, ऐसा करने का नहीं। अभी सुनो, अब मेरी बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एग्जैक्टली, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एथिक्स इज सच अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिक्स इज सच अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, दिस इज योर मॉरल वैल्यूज विच हेल्प्स यू डिटरमाइन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आपने बोला नौकरी फिर मिल जाएगी, मेरे लिए नौकरी पहले आदमी बाद में, वो बचता रहेगा। देखो भाई, जिसको बचना है वो बचेगा, और साले तो गिरा मुझसे पूछेगा क्या, नहीं ना तो निकल, मैं तो जाएगा अपनी नौकरी पे। अब सुनना, तुम बोलोगे कितना गंदा आदमी है, कहीं और पढ़ लेंगे गवर्नेंस, बट मेरी बात सुनो। मेरा कहना है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है, दीज आर योर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, दीज आर योर कोड ऑफ कंडक्ट विच यू अप्लाई वाइल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। The stronger the ethical codes are, the more ethical your company is, the more ethical your company is, the more aggressively you come down in the market, शायद short term में आप लोग इतना ज़्यादा profit न बनाएं, but long term में ethics scores over anything. That means long run में Tata scores over Reliance. That's what I'm trying to say. Coming back, एथिक्स में जब अपन आएंगे तो एथिक्स में लोगों ने भर भर के आपको बताया कि भाई एंटी ब्राइबरी कोड दिया है, कि आप लोगों ने ब्राइबरी की तरफ नहीं जाना, आपने कल्यूजन्स नहीं करने, आप दो डायरेक्टर्स मिलके कंपनी के अगेंस्ट मत चले जाना, माइनॉरिटी को मत दबाना, ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना, ये सारी चीजें आपको एथिक्स के अंदर बताई गई, ये सारी चीजें आपको एथिक्स के अंदर बताई गई हैं, जो 10 नंबर की, मैंने आपको बताया जैसा काम वैसा दाम, ठीक है ना। अब देखो यार, एथिक्स कितना सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पढ़ाते वक्त मेरे को बहुत मजा आता है एथिक्स को, पर मैं क्या कह रहा हूँ ना, एथिक्स कितना सब्जेक्टिव कंसेप्ट है मैं समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे मेरे सामने ज्ञानी महाज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, प्रोफेशनल में हूँ, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, बच्चे तेज हमारे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज तुम्हारे घर में कोई बुढ़ी आंटी आती है, अगर तुम्हारे घर में कोई बुढ़ी आंटी आती है, बुढ़े अंकल आते हैं, अंकल अंकल तो नहीं आते, अंकल लोग दिन में नहीं आते हैं, अंकल लोग बाद में आएंगे मिलने, बुढ़ी आंटी घर में आती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब तुम्हारे
ना चाहते हो, हो सकता है तुम जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे किसी का फोटो स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, या लाइक नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो कि क्या करूं कि सामने वाले को पता पड़ जाए दैट आई एम इंटरेस्टेड, पर वो सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपनी पूरी बॉडी लेके इंक्लूडिंग दोज लेग्स विच आर टायर्ड उठना पड़ता है, 10 कदम चलना पड़ता है, एक गंदी सी फेक स्माइल देनी पड़ती है और उससे गंदी एक्टिंग, आपको झुक के आशीर्वाद लेना पड़ता है जिसमें तुम्हारा रैंडम इंटरेस्ट नहीं था, रैंडम। तुमने कहा आंटी तुम क्या आशीर्वाद दोगे, तुम खुद मरने वाली हो 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, तुम पहुंचो, उसके बाद तुम फेक स्माइल देते हो, उसके बाद तुम फेक स्माइल देते हो, और जब तक तुम्हारे मॉम या डैड में से कोई आने जाए उन्हें अटेंड करने के लिए, तुम्हें उनके सामने बढ़ के ऐसे करने रहना पड़ता है, और अगर तुमने नहीं किया तो सोसाइटी जज करेगी, वो तुम्हें बोलेगी कि ये तो असंस्कारी है, ये तो घटिया है, ये तो बेकार है, ये तो नापुंसक है, सब कुछ होगा अगर तुमने आंटी के पांव नहीं छुए। आंटी दुनिया की सबसे बड़ी दरिंदी होगी, इसकी बहू ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी है पर फिर भी तुम्हें पांव छूने पड़ेंगे वरना तुम खराब हो। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दीज आर योर कोड ऑफ कंडक्ट्स, दीज आर योर कोड ऑफ कंडक्ट्स। शॉर्ट रन में चाहे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े पर लॉन्ग टर्म में इज्जत बहुत है भाई, लॉन्ग टर्म में आपकी इज्जत बहुत ज्यादा है। सो नाउ दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट एथिक्स विच वी आर गोइंग टू डील इन दिस पार्ट, इट वुड टेक इज अप्रोक्सीमेटली 10-15 लेक्चर्स टू कवर अप एथिक्स, दैट इज द मोस्ट लीस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट बिकॉज जस्ट फॉर 10 मार्क्स, ठीक है एकदम। पानी वानी नहीं देता मैं आंटी को, तो आंटी उधर पानी जाके पी लो, और नहीं तो बिल्कुल ही लाड में आ गए। बोलो, हाँ जी, आर वी ऑल नाउ वेल इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द नेम ऑफ ए बुक दैट सेज गवर्नेंस, दैट सेज रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। हाँ जी, बालक बालिकाओं बोलिए क्या कहना है आप लोगों का, क्या दिल में उतर गया, क्या एकदम भावनाओं में उतर गया, जज्बात में उतर गया, ब्लड में उतर गया, डीएनए में उतर गया कि नहीं? तुम अलग मजा ले लो। हाँ जी बालक बालिकाओं, क्लियर एकदम, एकदम जबरदस्त, रग रग में उतर गया क्या? देखो अभी तुम हाँ जी सर, अब सर क्या पढ़ाने वाले हो आप? बुक का नाम तो समझ में आ गया, 100 नंबर ले आएंगे, पर एक चैप्टर बता देते, उसके बारे में थोड़ा बता देते, दिल गार्डन गार्डन हो जाता। चलो गार्डन गार्डन कर देते, स्टार्ट करते हैं सर स्टेक होल्डर से, स्टार्ट करते हैं स्टेक होल्डर से। अच्छा, आइडियली ये चैप्टर मैं इतना जल्दी नहीं स्टार्ट करता, मेरे करंट बैच में ये मेरा 7th नंबर चैप्टर है, बट इट रियली डजंट मेक सेंस बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपका पोर्शन नहीं स्टार्ट कर रहा, यू जस्ट नोइंग मी, यू जस्ट नोइंग योर फैकल्टी, इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर। दिस इज चैप्टर 9 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आप इस चैप्टर को आपके एग्जाम परस्पेक्टिव, मैं हर चैप्टर के पहले आपको बताता हूँ एग्जाम परस्पेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, कंसिडर इट फॉर एटलीस्ट 5 मार्क्स, माइट बी फॉर 6 और 8, बट 5 फॉर श्योर, ये बेयर मिनिमम इतना स्कोर करता ही करता है। सर ग्रुप 1 का स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? मेरे बाद अगर तुम पूछोगे तो ड्राफ्टिंग अटैक्स में से कोई होगा, अपना तो हाइएस्ट है भाई, 85 लाने इस बार, 85 के नीचे मत बात करना, समझो यार तुम, मेरी बाइक टिकी हुई है तुम्हारे ऊपर। अच्छा नाउ, हाय सार्थक, अभी पढ़ लो सालो, तुम लोग मस्ती मत करो, एक बस खाली इस चैप्टर का बेसिक डेफिनेशंस तक बता देता हूं एंड वी स्टॉप। सर अभी क्या बोल रहे हैं ना, समझना, मैं आपको बताता हूं हाउ इंडिया हैज बीन, हाउ इंडिया हैज बीन। अच्छा, आप सबने सेबी पढ़ा है, आप सबने सेबी पढ़ा हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, आप सबने सेबी पढ़ा है। अच्छा, किसी को याद है कि सेबी ने अपने ऑब्जेक्ट्स में क्या बताया था, सेबी ने अपने ऑब्जेक्ट्स में क्या बताया था, एनीवन हु रिमेंबर्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी?
टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स. To regulate the market, very good यार. To regulate the market and to develop the market. अब तुम देखना यार प्रॉब्लम क्या रही ना, प्रॉब्लम क्या रही, हमने स्टार्टिंग से अपने पहले अपने इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं. हमने स्टार्टिंग से इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो वी हैव ऑलवेज गिवन अ बिलीव कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जब ये मार्केट में पैसा इंजेक्ट करते हैं तो कॉर्पोरेट्स इनको यूज करती हैं. जब कॉर्पोरेट्स इन पैसों को यूज करती हैं तो वो डेवलप होती हैं. इस डेवलप से हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, हमें टैक्सेस मिलते हैं, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिलते हैं. वेरी गुड यार, राइट. अगर हमने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, सो इफ इट इज नॉट डन दे वुड स्टॉप इन्वेस्टिंग, दे वुड स्टॉप इन्वेस्टिंग एंड इफ दे स्टॉप इन्वेस्टिंग this cycle would be incomplete, hence no development in the economy. This is what our idea was. This is what our idea was. Over the time, हम लोगों ने realize किया कि क्या सिर्फ अपने investor को protect कर लिया तो आप जीत जाओगे? Let's talk about this. क्या सिर्फ आपने अपने investors को protect कर लिया तो आप जीत जाओगे? हमने कहा सर, आप जब एक corporate बनाते हैं ना, आप जब एक corporate बनाते हैं, इसके अंदर काम कौन करता है? उन्होंने कहा सर, इंप्लॉइज. हमने कहा इन इंप्लॉइज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ग्रो कर लोगे? ये बोले नहीं. हमने कहा तुम इस कॉर्पोरेट से क्या बनाओगे? इसने कहा कोई गुड्स एंड सर्विसेज. हमने कहा अगर तुम्हारी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस अच्छी नहीं है, सोसाइटी लेगी? आपने कहा नहीं लेगी. हमने कहा कि तुमको इंप्लॉइज यहां से मिल रहे, तुम्हारे गुड्स तुम्हारी सोसाइटी लेती है, और अगर तुम लोगों ने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा, लोग लेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट? आपने कहा नहीं. हमने कहा कि तुम जिन सप्लायर्स से डील करते हो, अगर उन सप्लायर्स का ध्यान तुमने नहीं रखा, क्या वो तुम्हें सप्लाई करेंगे? नहीं. तो हमने कहा सिर्फ क्यों शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने के ऊपर हो, उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी शेयर होल्डर्स के साथ साथ इतने सारे लोग हैं जो तुम्हारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तुम्हें सबका ध्यान देना पड़ेगा, तब ही दे आर गोइंग टू कम डाउन एंड दिस कंपनी इज गोइंग टू फ्लरिश. इफ नॉट बेटर ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं होने वाला. सो नाउ दिस आइडिया व्हेन वी सेड कि भैया दैट इट्स जस्ट नॉट द शेयर होल्डर्स बट अलॉन्ग विद शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद देम द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, along with that the customers, along with them their creditors, their suppliers, sir, all of them should be protected. Because agar ek bhi jana tumhare yahan se hatana, tumhari corporate ka failure bahut near hai. Tumhe sab cheezon ka dhyan rakhna padega. सिर्फ शेयरहोल्डर वेल्थ नहीं, स्टेक होल्डर्स वेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा. हर कोई इंसान जो तुम्हारे साथ कोई भी तरीके का स्टेक रखता है वो सब स्टेक होल्डर्स है, उनका कोई भी इंटरेस्ट है वो सब स्टेक होल्डर्स है. आपने कहा सर कैन यू डिफाइन स्टेक होल्डर्स, वी नो दैट हु आर स्टेक होल्डर्स, कैन यू डिफाइन स्टेक होल्डर्स? तो मैंने कहा, सुनना आप स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन. मैंने कहा एनी पर्सन who gets affected or can affect the company is a stakeholder. क्या बोलते हो? Do you guys agree to this? Any person who gets affected or can affect the company is a stakeholder. What do you say?
दिस इज स्टेक होल्डर. नाउ अ स्टेक होल्डर इज अ वेरी वाइड टर्म, इट्स अ वेरी वाइड टर्म विच सेज दैट ऑफ माई यूनिवर्स, मतलब ऑफ द यूनिवर्स ऑफ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर इज जस्ट अ पार्ट. Employee is a part, customers is a part, supplier is a part, environment protection is a part, everything comes under. And if you do not respect any of the stakeholder, you are not going for any long-term wealth creation. You're going to die like this. Your company is not going to flourish if you do not see the stakeholders. So now this chapter, which we're going to start tomorrow, obviously, because we've spent ample amount of time, SAE, is corporate governance and other stakeholders. और इससे ऊपर वाला जो चैप्टर था एट्थ वाला, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड योर शेयर होल्डर्स. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स, पहले आपको हमने बताया शेयर होल्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फिर हम नाइन्थ चैप्टर पे जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि स्टेक होल्डर्स को एट लार्ज कैसे प्रोटेक्ट करना है. बोलो, इज एवरीवन विद मी? Is everyone with me? Yes, I believe everyone is with me. Happy enough? Liking governance? Not so bore? Not so irritating? I believe it is not. And kal hum is chapter ke sath shuru kar denge. And do din main is chapter ko YouTube pe live padhaunga. Ummeed karta hum that Yes Academy ke aaj ke aapke sare demos bahut acche rahenge aur hum aapki ummeedon par khare utre honge. And I really hope to see you guys tomorrow. Thank you so much. यस यस निर्मित, बिल्कुल बिल्कुल तरीके से स्टेक होल्डर है भाई आपका, बिल्कुल. मोर लव टू यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस लवली चांस टू टीच यू. आई रियली होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर. आई विल मेक श्योर दैट गवर्नेंस बिकम्स वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, इफ नॉट 85 इज फॉर श्योर, इवन इफ इट इज नॉट योर फेवरेट, बिकॉज द अदर टीचर्स आर टू एक्सेप्शनल. सर लाइव बैच में नहीं, सर लाइव बैच में यहां से कंटिन्यू नहीं होगा. लाइव बैच में उस टाइम पे वापस पूरा फ्रेश पढ़ाएंगे. अभी जो आपको मिलेगा उसमें चैप्टर वन है, ड्राइव में चैप्टर वन पहले पढ़ाया गया, ठीक है? तो यार ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करो एंड एंजॉय. दिस इज द लास्ट टाइम यू लर्निंग समथिंग, इसके बाद सिखाने का काम है और काम करने का काम है. तो बस अपने लास्ट फेज को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना. आई बिलीव इन यू एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट फॉर श्योर. Lots and lots of love. This is Chirag signing off for today. Not forever, just for today. I'll see you again tomorrow at 3:30. Tab tak ke liye haath dhote rahiyega, muh dhote rahiyega aur jo kuch dho sakte hain dho lijiyega. Jai Hind, Jai Maharashtra.